माननीय दिलीप दा के मैं हिंदी और बांग्ला दोनों में आपके सामने ये वक्तव्य रखता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा मिशन है, जिस मिशन के तहत पूरे भारत वर्ष में 2014 से लगातार स्वच्छ भारत का कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी आज हम लोग स्वच्छ भारत अभियान अधिकरण फाउंडेशन के बैनर तले आसनसोल कॉरपोरेशन की मदद लेकर मेयर साहब के मदद के साथ और सीतारामपुर मेडिकल टीम और हमारे सीतारामपुर स्टेशन मास्टर माननीय राजीव दा और यहाँ के उपस्थित आरपीएफ की उपस्थिति में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आसनसोल कॉरपोरेशन की तरफ से जो ये स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो आज गाड़ी मुहिम दी गई है, जो यहाँ पर उनके स्टाफ है और रेलवे की तरफ से भी जो स्टाफ है, ये कार्यक्रम इसलिए यहाँ किया जा रहा है कि आप लोग एक उल्टी जो स्टेशन है ये एक बहुत बड़ा स्टेशन है और उल्टी स्टेशन का इतिहास इसको से जुड़ा हुआ है, उल्टी कारखाना से जुड़ा हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन एक समय हुआ करता था और उल्टी कारखाना हुआ करता था। आज उल्टी स्टेशन के सामने आप देखिए साफ सफाई की काफी अच्छा व्यवस्था है। यहाँ पर रेलवे की तरफ से हमेशा साफ सफाई रखने की चेष्टा की जा रही है, लेकिन ये जो एरिया है जहाँ पर ये कचरा फेंका जा रहा है ये स्टेशन परिसर का एरिया है। आप सभी से अनुरोध है, कॉरपोरेशन के माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि यहाँ एक डस्टबिन दिया जाए और डस्टबिन के माध्यम से आप लोग एक डस्टबिन में कचरा को जमा कीजिए, जिससे कि यहाँ पर स्वच्छता बना रहे। अगर स्वच्छ आपके सामने में परिवेश नहीं रहा तो आप अपने एरिया में आप लोग स्वच्छ नहीं रह सकते। अपने बच्चों को क्या दिखाइएगा कि घर से निकल रहे हैं और सामने में इतना बड़ा कचरा है और आपके बच्चे क्या सीखेंगे। तो स्वच्छता के लिए पहले आप अपने आप को भी स्वच्छ रखिए, अपने परिवार को स्वच्छ रखिए, बाद में समाज को स्वच्छ रख पाइएगा आप लोग। तो आप सभी से अनुरोध है कि स्वच्छ भारत अभियान में जिस तरह से आसनसोल कॉरपोरेशन की ओर से मदद किया गया है, माननीय विधान उपाध्याय मेयर जी के अनुरोध से आज यहाँ पर गाड़ी आया हुआ है कॉरपोरेशन का और आसनसोल सीनियर डीएमबी के माध्यम से यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग यहाँ उपस्थित हैं, साथ साथ हमारे यहाँ स्टेशन मास्टर जी भी हैं और आरपीएफ के जवान भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी की उपस्थिति में यह स्वच्छता इसलिए की जा रही है कि आप लोग अपने क्षेत्र में जो भी गंदगी करेंगे उसका भरपाई आप ही को भरना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये रेलवे का सर्कुलेटिंग एरिया है, यहाँ रेलवे का बाउंड्री भी किया हुआ है। अभी तक रेलवे आपसे कुछ इस तरह का कोई व्यवहार नहीं कर रही है जिससे कि आपको कोई असुविधा हो। आप लोग रेलवे के इस एरिया में साफ सफाई रखिए, एक डस्टबिन के लिए माननीय मेयर साहब का अनुरोध कीजिए, कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पर डस्टबिन दिया जाएगा और डस्टबिन के माध्यम से आप स्वच्छता फैलाइए। आज आसनसोल कॉरपोरेशन के माध्यम से पूरे 106 वार्ड में साफ सफाई का अभियान काफी अच्छा चल रहा है। आज 63 नंबर और ये 62 नंबर का बॉर्डर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी कॉरपोरेशन की तरफ से आप देखिए गाड़ी भेजा गया है और ये सफाई अभियान चल रहा है। तो मिशन स्वच्छ भारत अभियान है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, लेकिन प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक पौरसभा और पंचायत में इसका अलग अलग नाम है। इसीलिए यहाँ पर कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पर भी राज्य सरकार की ओर से अपना एक मिशन चलाया जा रहा है, स्वच्छता मिशन चलाया जा रहा है, उसी के माध्यम से कॉरपोरेशन की तरफ से भी गाड़ी यहाँ मुहिम दी गई है। तो ग्रीन आसनसोल क्लीन आसनसोल ये मुहिम कॉरपोरेशन का है, जहाँ आज कॉरपोरेशन के तरफ से यहाँ गाड़ी दिया गया है साफ सफाई के लिए। तो सब स्टेट में और सब कॉरपोरेशन में, पंचायत में सब अपने अपने तरीके से नाम रखकर सफाई अभियान का